सच बताओ तो पहली बार ऐसा हो रहा ना भाई, पेट्रोल पंप के सामने से गुजर रहे हैं और हमें अपने भाई पेट्रोल को देखने की जरूरत नहीं है, मतलब पेट्रोल की मीटर को देखने की जरूरत नहीं है। ब्रेक टच करते ना गाड़ी तुरंत रुक जाती है। मैं आपको रोक के दिखाता हूँ, ये देखो भाई क्या ब्रेकिंग है भाई, ये चेक कर रहे हो। सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, एंड आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्योर ईवी की ई प्लूटो 7G मैक्स। जस्ट हैव अ लुक भाई, ये स्कूटर है। आज हम लोग टेस्ट करने वाले इसकी माइलेज, मतलब इसकी रेंज टेस्ट कितनी आती है भाई, एक चार्ज पे, फुल चार्ज पे ना कितनी किलोमीटर हम इससे कवर कर सकते हैं। बाकी मैं आपको स्कूटी की ना पूरी डिटेल्स बताऊंगा इस व्लॉग में, तो भाई व्लॉग को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन से कि क्या क्या डिटेल्स और क्या क्या चीज़ हमें मिलती है इस स्कूटर में। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई मोटर की, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो इसमें भाई 1.5 किलोवाट का हमें नॉमिनल एंड 2.2 किलोवाट का पीक BLDC मोटर मिलता है। वहीं अगर बात करें बैटरी टाइप की, तो इसमें हमें 3.5 किलोवाट की बैटरी मिलती है विद 72 वोल्ट। इस स्कूटर में भाई एक चीज़ मुझे बहुत ही बेहतरीन लगती है ना, जो कि भाई इसमें मिलता है हमें रिवर्स मोड। बाकी यहाँ देख सकते हो भाई, रिवर्स मोड के लिए यहाँ पे स्विच दिया गया है, ये रहा रिवर्स मोड का स्विच। इसमें हमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, वही रियर साइड में हमें ड्रम ब्रेक मिलते हैं। एंड साथ ही साथ अगर अलॉयज की बात की जाए, तो इसमें हमें कास्ट अलॉय मिलते हैं, जो कि देख सकते हो भाई सामने कितना ही खूबसूरत लग रहा है देखने में ये अलॉय। बाकी अगर टायर साइज की बात की जाए, तो फ्रंट में 1900 और रियर में भी हमें सेम टायर देखने को मिलता है। इसके अगर हेडलैम्प की बात की जाए, तो हमें इसमें LED हेडलैम्प मिलती है। वही अगर बात की जाए इसकी ब्लिंकर्स की, तो यहाँ पे भाई ब्लिंकर्स मिलते हैं, जिसमें हमें बजर भी मिलता है। तो अभी मैं आपको चेकआउट कराता हूँ भाई, ये हमने इंडिकेट कर दिया और एक चेकआउट करो भाई, ये रही भाई इसकी ब्लिंकर्स। इसमें ना हमें लेडीज़ फुटरेस्ट भी मिलता है, ये चेक कर सकते हो भाई। तो आप आराम से अपने लेडीज़ को भी, मतलब जो भी फैमिली मेम्बर है लेडीज़ घर पे, उससे भी बिठा के ले जा सकते हो। साथ में भाई दो लोगों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल सीट भी यहाँ पे है। और बात की जाए अगर यहाँ पे, एक बार चेक करो भाई, इसमें ना टोटल 4 की मिलती है हमें, टोटल ये देख सकते हो भाई 4 की है। और 2 ये एंटी थेफ्ट डिवाइस है, जो कि भाई आपको मैं चेक करके भी दिखाता हूँ। तो ये रहा भाई, जैसे अपन इसको यहाँ से लॉक कर देंगे ना, तो चाबी लगाकर भी बंदा लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ से हमने लॉक कर दिया है। और जब तक हमने यहाँ से अनलॉक नहीं करेंगे, यहाँ से देखो ये अनलॉक कर दिया। तो ये सारी कुछ ना फीचर ऑलरेडी कंपनी से फिटेड आती है। अभी मैं आपको ना एक बार इसका रिवर्स मोड यूज करके दिखाता हूँ भाई। यहाँ पे देख सकते हो रिवर्स का ये रहा बटन, मैंने आपको ऑलरेडी दिखा रखा है, फिर से एक बार चेक कर लो। तो इसको ना बस हमें ऐसे दबाए रखना, और ये जा रही है अपनी स्कूटी रिवर्स में। देखो ये, देखो भाई ये जा रही रिवर्स में, ये हमने लगा लिया ब्रेक। और भाई जैसे आप रिवर्स बटन को छोड़ दोगे, आराम से नॉर्मल हो जाएगी। फिर ये देखो, ये अपन ऐसे करके इसको चला सकते हैं। में ना हमें एक्सटर्नल चार्जिंग पोर्ट मिलता है, यहाँ से आप देखो, यहाँ से चाहो तो आप चार्ज कर सकते हो। जस्ट हैव अ लुक, तो बाहर से ही चार्ज हो जाता है, डिक्की विक्की खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से बस इसको हटाओ और चार्जिंग सॉकेट लगा के इसको आप चार्ज कर सकते हो। आपको फ्रंट में भी भाई एक्सेस मिल सकता है, यहाँ पे आप सामान वामान रख सकते हो, चाहो तो अपनी फ़ोन वगैरह वॉलेट वगैरह ईजिली इसमें डाल के कैरी कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छा लगा भाई, फ्रंट में भी हमें बूट स्पेस मिलता है, पीछे भी बूट स्पेस है। तो आराम से इसमें देखो, बहुत ईजी टू ओपन है, की के थ्रू आप इसको आराम से ओपन करके ऐसे लॉक कर सकते हो। ये हो गई लॉक। तो गाइस बाकी की बातें भाई बाद में करेंगे, क्योंकि भाई अभी हमें इसके रेंज टेस्ट भी करना है। यहाँ पे हमें 12.7 सेंटीमीटर की LED स्क्रीन भी देखने को मिलती है, और साथ ही साथ भाई अभी मैं इसकी बूट स्पेस आपको दिखाऊंगा। ये हमने अभी खोला, यहाँ पे ये चेक कर सकते हो, यहाँ से की से आराम से खोल सकते हैं। आपको मैं यहाँ पे पहले एक बार बैटरी चेकआउट कर देती, तो यहाँ पे बैटरी नंबर आप देख लो भाई, यहाँ पे लास्ट में 31562। सो दैट भाई मैं इसी बैटरी को यूज़ करके पूरा टेस्ट करने वाला हूँ, बैटरी वगैरह नहीं कुछ चेंज करने वाला। तो आपको ना एक ऑनेस्ट रिव्यू मिलेगा। और भाई कुछ ऐसा स्पेस है भाई, इसको देख सकते हो, आप चाहो तो इसको यहाँ से निकाल भी सकते हो। सो ऑलराइट गाइस, तो ये रहा हमारे सामने प्योर ईवी प्लूटो 7G मैक्स। एंड गाइस ये कुछ इस तरीके का किया था इस पे, इसके साथ हमें टोटल 4 की मिलते हैं और 2 ऐसा रिमोट कंट्रोल मिलता है। तो फिलहाल मैं आपको चेकआउट कराता हूँ भाई, हाउ डज इट वर्क्स। तो जैसे इसको भाई यहाँ से अपन डाल देंगे, इसको अपन यहाँ डालते के साथ ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। अभी आप स्पीडोमीटर पर देख पा रहे हो कि भाई यहाँ पर सारा डिटेल्स दिया गया, बैटरी जो है इसकी फुल चार्ज है, और जो किलोमीटर है वो सिर्फ 5 दिख रहा है यहाँ पे ओडोमीटर पर। तो अभी अपन चेक करेंगे भाई ये कितनी रेंज मिलती है, मतलब पूरी फुल चार्ज बैटरी पर ना कितनी चलती है। तो इसको स्टार्ट करना काफ़ी इजी है भाई, यहाँ से आप देख सकते हो, ये रहा अनलॉक बटन, ये हमने कर दिया अनलॉक, और ये दोनों दबाकर ऐसे पार्किंग से हटा दिया। अभी आ गया इसका, देख सकते हो। और अब चलो इसको लेकर चलते हैं हाईवे की तरफ। एंड आज ना इसकी भाई पूरी ना टोटल बैटरी टेस्ट करेंगे भाई, कि क्या रेंज प्रोवाइड करती है ये फुल चार्ज में। जो क्लेम करती है ना वो समवेयर अराउंड 201, मतलब अराउंड ऑफ 200 किलोमीटर मान लो। तो चलते हैं भाई, और इसमें ना अलग अलग मोड्स है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट पे एक बार फिर से भगा कर देखते हैं, ये 35 पे जा रही है, 35-36 का राउंड। अब मैं इसको डाल देता हूँ, सेकंड पे स्विच करते हैं, इसकी पावर ना तुरंत में बढ़ जाती है, आपको तुरंत में फील होगा कि इसकी पावर बढ़ चुकी है। और सेकंड पे ये समवेयर अराउंड 50 के स्पीड पे जाती है, देख सकते हो ये 50 के स्पीड पे चल रही है अगर इसको सेकंड मोड पे रखते हैं तो।
भाई देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ब्रेकर्स है यहाँ पे पुणे का, आप सबको पता है भाई यहाँ पे हाईवे पे भी ब्रेकर मिलते हैं। तो सस्पेंशन काफ़ी अच्छा लगा, मतलब ख़राब रास्तों पे भी अच्छा वर्क कर रही है भाई इसकी सस्पेंशन। चलो भगा कर देखता हूँ मैं और भी कितनी भागती है सेकंड गियर पे, क्या पता शायद थोड़ी और चली जाए 50 से ऊपर। अभी देख लो 50 तो फिर से इसने टच कर दिया, इसके ऊपर अभी नहीं जा रही। तो चलो इसको थर्ड में डाल देते हैं, थर्ड में देखते भाई क्या इसकी टॉप स्पीड आती है। तो ये थर्ड पे चल रही है भी, अब थर्ड पे इसका चेक करना क्या टॉप स्पीड आती है। अभी शायद हमें आगे ब्रेक लगाना पड़ जाए क्योंकि सामने भाई टोल प्लाजा भी आ चुका है। तो अभी अपन इसको थर्ड मोड पे चला रहे हैं फुल पावर पे, एंड ये चेक करो भाई काफ़ी सही चल रही है। एंड साथ ही साथ भाई अभी हम लोग जिस एरिया में जा रहे हैं ना वहाँ का रोड काफ़ी प्यारा होने वाला, काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे मिलने वाले। तो भाई इस स्कूटी पे हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं वैसे कुछ जगह को। बाकी साथ में एक और भाई चल रहा है ये देख सकते हो भाई, तो अपन चलते हैं जल्दी से उस लोकेशन पे। एंड गाइस बहुत ही जल्द इसका भी रिव्यू अपने चैनल पे आने वाला है। बाकी रास्ते देखो कितना खूबसूरत है भाई, हर तरफ सिर्फ ग्रीनरी ग्रीनरी है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी तक लगभग हमने इसे 8 किलोमीटर चला दिया है एंड 13 किलोमीटर यहाँ पे ओडोमीटर पे पूरा हो चुका है। और ये भाई अभी चेक करो भाई, बैटरी इसकी बिल्कुल फुल है भाई। ये ना अभी जैसे मैं थ्रॉटल लूँगा ना तो एक्सेल ऐसे जिस पावर पे चल रही बैटरी वो दिखाती है, इसको अभी थ्रॉटल छोड़ दो ये फुल आ जाएगी। तो ये मैं सोच रहा कि बैटरी डाउन हो चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक पॉइंट अभी गिरी नहीं है। ये थर्ड मोड पर चल रही है अपनी स्कूटर, इसमें आपको यहाँ पर देख सकते हो ये रहा भाई डिपर हाई बीम लो बीम के लिए, ये हॉर्न रहा भाई, ये रहे इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स में ना बजर भी लगे इंडिकेट करने पर, देखो ऐसे साउंड करता है। और ये रहे भाई लाइट्स के कंट्रोल, आप इसको चाहो तो ऑन ऑफ अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। यार इसका हैंडलिंग भी ना काफ़ी अच्छा है, देखो मतलब काफ़ी फ्लिकेबल है यार, देख सकते हो बहुत इजीली आप इस स्कूटर को मनोवर कर सकते हो। ये चेक करो भाई बहुत ही आराम से, और इतने प्यारे खुले खुले रास्ते मिल जाए तो फिर कुछ कहना ही नहीं है। अभी रुक के एक बार आपको बैटरी की नंबर चेकआउट करा देता हूँ, सो डैट आपके माइंड में ना ये कन्फ्यूजन ना रहे कि भाई कहीं एक्स्ट्रा बैटरी वैटरी हमने कुछ भी कैरी नहीं किया। तो जो एग्जैक्ट बैटरी उसी बैटरी का रेंज टेस्ट कर रहे हैं जिसमें लगी पड़ी है। तो अभी साइड में रोकते हैं ना, आपको दिखाते हैं बैटरी पर बैटरी नंबर क्या लिखा हुआ है अपना डिक्की को। ये भाई बॉटल और ग्लव्स भाई मैंने कैरी किया है क्योंकि भाई रास्ते में प्यास वगैरह लग सकती है। तो ये चेकआउट कर लो भाई, यहाँ पर बैटरी नंबर जो लिखा हुआ है ये सारा डिटेल्स, इसका आप स्क्रीन शॉट ले लेना। यहाँ पर देख लो लास्ट का जो है 1562 है, देख सकते हो। तो भाई आपके लिए ना दिमाग में ये चीज़ क्लियर रहेगा कि भाई ये बैटरी वैटरी हमने चेंज नहीं किया, इसी पे चल रहा है इसी बैटरी पे। तो फिलहाल भाई इसको पे यहाँ रख देते क्योंकि पानी की ना काफ़ी ज़रूरत पड़ जाती है भाई। स्पेस इतना है कि आप आराम से इसमें ग्लव्स पानी वगैरह कैरी कर सकते हो। ये हमने कर दिया बंद, एंड आपको मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ इसके ओडोमीटर को। ये हट गई पार्किंग पे से, पार्किंग पे हटाने का बहुत ईजी है, जैसे आप स्कूटी में करते हो ना एक ऐसे ब्रेक दबा के ये पी वाले बटन पे टैप करो, ये आ गई है भाई थर्ड पावर पे, मतलब थर्ड मोड पे चल रही है। 15 किलोमीटर चली है तो चलो थर्ड पे ही चलते हैं भाई, क्योंकि रास्ते काफ़ी खाली है ना तो आराम से इसकी फुल पोटेंशियल अपन यूज़ कर सकते हैं अभी। यार यहाँ पे ना रंबल स्ट्रिप्स भी काफ़ी सारे हैं भाई, इसके जो सस्पेंशन इतने सही है ना कि रंबल स्ट्रिप्स पर तो पता ही नहीं चलता है, मतलब यू पार हो जाती है भाई। देखो अभी आगे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे रंबल स्ट्रिप्स आने वाले, और ये चेक करो भाई इसको अपन एकदम आराम से क्रॉस करेंगे, आपको बिल्कुल नहीं फील होगा। ये चेक करो भाई बिल्कुल आराम से अपन ने क्रॉस कर लिया है, खराब अच्छे हर रास्ते में भाई सस्पेंशन ना अच्छे से परफॉर्म कर रही है भाई। ये एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगता ना, मतलब महाराष्ट्र में कि कहीं भी इधर आप निकल जाओ ना थोड़ा सा तो आपको ना इधर पहाड़ बहाड़ दिख जाते हैं। अभी मैं मतलब पुणे वाले एरिया में हूँ, पुणे से थोड़ा आसपास आउटर एरिया में। ये देखो अभी अपने राइट हैंड साइड में काफ़ी अच्छा सा पहाड़ दिख रहा है भाई अपने को, जस्ट हैव अ लुक राइट हैंड साइड में। अभी थोड़ा ना फॉगी फॉगी सा इस वजह से आपको क्लियर आउट नहीं दिख पा रहा होगा, बट वो देखो सामने चेक करो भाई, काफ़ी ऊँचे ऊँचे पहाड़ है, काफ़ी बड़े बड़े। सच बताओ तो पहली बार ऐसा हो रहा ना भाई, पेट्रोल पंप के सामने से गुजर रहे हैं और हमें अपने भाई पेट्रोल को देखने की जरूरत नहीं है, मतलब पेट्रोल की मीटर को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई हम पे तो भाई फ्यूल टैंक है ही नहीं यार, इस पे तो सिर्फ और सिर्फ बैटरी है। तो कोई टेंशन ही नहीं है भाई, पेट्रोल पंप पे भी रुकने की जरूरत नहीं है, एक बार चार्ज करो घर से निकल जाओ और आपका जो भाई इसमें रेंज है लाइक अगर आप फर्स्ट मोड पे चलते हो आराम से 200 किलोमीटर का रेंज मिल जाएगा आपको, 200 किलोमीटर कवर करके आराम से वापस आके फिर से चार्ज कर लो भाई, बहुत ही आसान है चार्ज करना। तो अभी ये ना मैं सोच रहा हूँ थोड़ा भूख लगा कहीं रुक के कुछ खा लेते यार, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ। अभी 23 किलोमीटर चला चुके हैं लेकिन थोड़ा ना आसपास का एरिया यहाँ पे देखो भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को, और हाईवे पे ना कुछ इधर का लोकल फूड ट्राई करते हैं तो जाके थोड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि इधर का ना मैंने कभी लोकल फूड ट्राई नहीं किया। तो गाइस तो हमने कर लिया अभी ब्रेकफास्ट भाई, फिर से वापस से चलते हैं भाई अपनी जो रेंज टेस्ट चल रही है भाई इसकी उसको करते हैं पूरा। अभी भाई यहाँ पर हमने खाया मिसल पाव जो कि आपको मैंने बताया यहाँ का लोकल फूड है भाई, हर लोग वही खा रहे थे। चलो अब चलते आगे की तरफ,
अभी देख लो 25 किलोमीटर हमने चलाया है, जिसमें से 5 किलोमीटर पहले से चली हुई थी, मतलब 20 किलोमीटर हमने चला दिया इस स्कूटर को। यार सच बता रहा हूँ, इतने सुंदर सुंदर रास्ते ना मैंने भाई कहीं नहीं देखे भाई, क्या खूबसूरत नज़ारे है। जस्ट हैव लुक, दोनों तरफ प्रॉपर ग्रीनरी है भाई, और मस्त अपन इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहे भाई। यहाँ पे देख सकते हो 34 किलोमीटर हमने कवर किया है, मतलब 5 हटा दो तो 29 किलोमीटर हमने कवर कर चुका है अभी तक। और अभी मैं सेकंड थर्ड के बीच में स्विच करके देख रहा था भाई कि यहाँ पे अगर सेकंड पे भी चला दे तो इस एनएफ, क्योंकि ना कर्व से तुरंत तुरंत में ना तो ज़्यादा स्पीड चलाने का कोई मतलब बनता नहीं है, फिर आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा। और इसके ब्रेक्स ना भाई सच बता रहा हूँ लाजवाब है, ब्रेक टच करते ही ना गाड़ी तुरंत रुक जाती है। मैं आपको रोक के दिखाता हूँ, ये देखो भाई क्या ब्रेकिंग है भाई, ये चेक कर रहे हो भाई, एकदम सुपर ब्रेकिंग है, नेक्स्ट लेवल बिल्कुल। एक बार आपको मैं ना थोड़ा स्पीड करता हूँ गाड़ी, उसके बाद मैं रोक के दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको फुल स्पीड पे रखता तो गाड़ी कितनी जल्दी रुकती है। तो थोड़ा और स्पीड चलते हैं, पहले थर्ड पावर पे लगा दिया, मतलब थर्ड मोड पे मैं डाल दिया गाड़ी को। अभी चलते हैं भाई इसकी टॉप स्पीड पे, उसके बाद फिर ना थोड़ा चेक करेंगे कि ब्रेक करने पे ना भाई कैसे रुक रही है, ब्रेकिंग कैसी है स्कूटी की। मुझे तो भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई ऐसे वादियों में चलाने में भाई, उधर देखो सामने पहाड़ भी दिख रहा है। तो अभी हम लोग चल रहे टुवर्ड शिवनेरी फोर्ट, और भाई अभी मैं आपको ब्रेकिंग करके दिखाता हूँ। तो पहले थोड़ा देख लेता हूँ भाई आगे पीछे कोई है तो नहीं, वरना पता चला ब्रेक मारा पीछे से आके वो घुस जाएगा मेरे में। तो यहाँ मैंने रोका, ये देखो व्हाट ब्रेकिंग भाई, मतलब रियली क्विक भाई, ये तुरंत रुक जाती है यार, ये तो मानना पड़ेगा। और जब आप इसकी थर्ड मोड पर रहती है ना तो देखो इसका इनिशियल पंच भी काफ़ी सही है। बेसिकली देखो इन सारी व्हीकल्स को ना बनाई जाती है कि ए प्लेस टू बी प्लेस को कवर करने के लिए, ना कि भाई स्पीड भगाने के लिए। तो आपकी जो चीज़ ज़रूरत है ना उस चीज़ को ये फुलफिल करती है, मतलब आपको ए प्लेस से बी प्लेस जाना है तो उसके लिए भाई ये बेस्ट चीज़ है आपको। मतलब सोच लो अगर आप फ्यूल अप कराओगे भाई, 200 किलोमीटर का पेट्रोल कितना ज़्यादा महंगा हो चुका है अगर आप उससे कंपेयर करते हो तो। अगर आप कोई भी नॉर्मल सी बाइक भी देखते हो ना, अगर 30 की एवरेज भी देती है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 200 किलोमीटर के लिए आपको उसमें 6-7 लीटर का फ्यूल डलवाना पड़ेगा, जो कि समवेयर अराउंड आपको 700 रुपये का कॉस्टिंग आएगा। तो आप समझ लो भाई 700 रुपये के कॉस्टिंग में आप 200 किलोमीटर ट्रैवल करोगे। अगर इसकी बात की जाए तो भाई इसमें बस आप एक बार फुल चार्ज करो और फुल चार्ज में 200 किलोमीटर ऑन द गो कर सकते हो। तो अभी चलते हैं भाई हम लोग शिवनेरी फोर्ट की तरफ, देखते भाई किधर से रास्ता है जाने का, मुझे नहीं पता भाई लेके हमें जा रहा है। अभी हमें सामने दिख रहा है वो रहा भाई शिवनेरी फोर्ट, और ये रहा उसका एंट्रेंस, यहाँ की तरफ से जा रहे हैं। और ऊपर ना जहाँ तक भाई गाड़ी जाएगी वहीं तक जाएंगे, क्योंकि ऊपर ट्रैक करना है भाई, ट्रैक अपन करने वाले हैं नहीं, तो बस अपने को बस रेंज टेस्ट करना था। तो हमने सोचा नियर बाई में कोई अच्छा सा लोकेशन चलते हैं, आप लोगों को लोकेशन भी दिखा देंगे और इसका रेंज टेस्ट भी बता देंगे भाई कितनी किलोमीटर चल रही है। क्योंकि कंपनी ने जो क्लेम किया ना भाई, आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थर्ड मोड पे चला रहा हूँ मैं, थर्ड मोड पे कंपनी ने क्लेम किया लगभग 150 किलोमीटर अराउंड, एंड सेकंड पे अगर मैं इसको डाल दूँ तो सेकंड पे कंपनी क्लेम करती है 170 किलोमीटर प्लस, एंड अगर इसको फर्स्ट पे चलाता हूँ फर्स्ट मोड पे तो कंपनी क्लेम करती है 201 किलोमीटर, दैट समवेयर अराउंड 200 किलोमीटर। तो देखते हैं भाई अभी टोटल हमने चला दिया है इसके 40 किलोमीटर, अभी बाकी देखते हैं। मैं कंटिन्यूस थर्ड मोड पे ही चला रहा हूँ, तो 150 किलोमीटर अगर चल गई तो मैं बोलूँगा भाई ये बेस्ट है, मतलब कंपनी ने जितना क्लेम किया उतनी पे ये खड़ी उतर के आ रही है। अभी हम लोग आ चुके हैं भाई एकदम हिल वाले लोकेशन पे देख सकते हो, और हम लोग चल रहे टुवर्ड शिवनेरी फोर्ट, जहाँ तक गाड़ी जाएगी वहीं तक जाएंगे, उसके ऊपर नहीं। तो मतलब ऐसे रास्तों पे भी ना भाई आपकी ईवी होने के बावजूद ये जा रही है, देख लो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल मस्त जा रही है। और शिवनेरी किला के लिए हमें इधर टर्न करना है इस तरफ, यहाँ अभी अपन ऑलमोस्ट भाई आगे की तरफ जा रहे हैं भाई, मुझे लग रहा है ये लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे सारी गाड़ियाँ लगी है तो इसके ऊपर गाड़ी लेकर नहीं जा सकते। तो भाई मैं पैदल तो नहीं जाने वाला भाई ऊपर, क्योंकि ट्रैक होगा नहीं भाई। यहाँ से क्या व्यू आ रहा है भाई, क्या प्यारा खूबसूरत नज़ारा आ रहा है। अभी लगभग हमने इसे 43 किलोमीटर राइड किया है, 5 किलोमीटर पहले से चली हुई थी, इसलिए यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर पे 48 देखने को मिल रहा होगा। तो यहीं तक गाड़ियाँ जाती है, देखो यहाँ पे आ गया पार्किंग, इसके ऊपर ऊपर जाने का नहीं है। हाँ इसके ऊपर आपको जाना है तो ट्रैक करके जा सकते हो, तो मैं तो नहीं जाने वाला, यहीं से घुमा लेते भाई, यहाँ से कर लेते अपन यू टर्न। और यहाँ से जो व्यू आ रहा ना भाई बहुत ही खूबसूरत भाई, कोई मतलब बनता नहीं है भाई ट्रैक करके जाने का, क्योंकि अभी इससे और चलाना है हमें। तो चलते हैं वापस की तरफ, एंड भाई अभी दूसरे रूट से चलेंगे ना, सो दैट इसको ना थोड़ा और लंबा हम लोग चला पाए, तब जाकर इसकी किलोमीटर पूरी हो पाएगी। जिस रास्ते से जा रही है कोई दूसरा रास्ता है, और भाई वो देखो बड़े बड़े पहाड़, मतलब हर तरफ पहाड़ी पहाड़ दिखते हैं। फिर से हमें पेट्रोल पंप दिख चुका है भाई, लेकिन हमें पेट्रोल पंप पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग चला रहे एक ईवी व्हीकल, तो इसमें भाई पेट्रोल का तो कोई टेंशन नहीं, सोचना ही नहीं है पेट्रोल का, ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगता है भाई। वरना आप जब भी ना एक पेट्रोल वाली बाइक चलाओगे या स्कूटी चलाओगे ना, तो पेट्रोल पंप जैसे दिखता ना माइंड में आ जाता है यार अपनी भाई एक बार चेक कर लेता हूँ कि कितने पॉइंट पेट्रोल दिखा रहा है। इसमें कोई टेंशन नहीं, अभी ऑलमोस्ट हाफ बैटरी इसमें बची हुई है, हाफ से ज़्यादा बची हुई है, मैं अभी फुल थ्रॉटल पे था ना तो अभी एक पॉइंट और आ जाएगा। और जो स्कूटी है हमने ये अभी राइड कर लिया है लगभग 53 किलोमीटर्स,
तो अभी चेक करते हैं भाई टोटल, जैसे कि कंपनी क्लेम करती है भाई 150 किलोमीटर चलती है भाई फुल चार्ज पे, क्योंकि हम इसको चला रहे हैं थर्ड मोड पे, तो थर्ड मोड पे सबसे ज़्यादा पावर जनरेट करती है, इसी वजह से सबसे कम किलोमीटर जो है वो थर्ड मोड पे चलती है अगर हम इसको कंपेयर करते हैं सेकंड और फर्स्ट के अकॉर्डिंग। तो सो गाइस, तो अभी आप देख सकते हो भाई ये बैटरी ना बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है भाई, ब्लिंक कर रही है एंड 156 किलोमीटर चला चुका है हमने, बाकी 5 किलोमीटर पहले से चली हुई थी आप सबको पता है, तो 151 किलोमीटर टोटल हमने क्लॉक किया है। एंड मैं भी इसको एक पे इसलिए डाल दिया ना थोड़ी दूर के लिए, क्योंकि भाई मेरे को डर लग रहा था ये ब्लिंक करने पे, थर्ड पावर पे भाई टोटल हमने चलाया इसको, एंड ये चेक करो ब्लिंक कर रही है ना, तो इसको यहाँ पे लगाते हैं व्लॉग को करते एंड, क्योंकि भाई मुझे ना डर लग रहा है भाई कि कहीं ये धोखा नहीं देते मैं बीच रास्ते में नहीं फंस जाऊँ, इसलिए ना मैंने थोड़ा बहुत बचा लिया, मतलब 2-3 किलोमीटर और शायद चलती है भाई। अभी आपको मैं खोल के दिखाता हूँ इसका सीट, ये हमने खोला इसका सीट, और एक बार ये चेक कर लो भाई इस पर बैटरी नंबर जो हमने शुरू में दिखाया था वही बैटरी नंबर है 231562, दैट्स इट। तो भाई ये रहा कुछ ऐसा स्कूटर, ये रहा इसका माइलेज टेस्ट, मतलब इसका जो रेंज टेस्ट होता है ओवरऑल। तो आई होप गाइस आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एक बार फिर से मैं आपको स्पीडोमीटर दिखा देता हूँ, और ये ऑलमोस्ट ख़त्म पे, ये चेक कर लो, ये देखो अगर मैं थोड़ा सा भी इसको स्टार्ट करके भगाऊँ ना, ये देखो ब्लिंक कर रही है, तो कभी भी ख़त्म हो सकती है, तो मैं ना रिस्क नहीं लेने वाला बिल्कुल भी। और यहाँ पे 156 किलोमीटर आपने देख लिया, तो गाइज आई होप मतलब आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कंपनी ने जो क्लेम किया उस पर खड़ी उतर आ रही है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ गाइज, एंटिल देन बाय बाय, राइड सेफ एंड राइड। अगर आपको ये स्कूटर परचेज करनी है तो आप अपने नियरेस्ट प्योर ईवी के शोरूम पर विजिट कर सकते हो, वहाँ पर जाकर इसकी टेस्ट राइड ले सकते हो, और उसके बाद अगर आपको पसंद है तो यू कैन बाय दिस ईवी व्हीकल। तो चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, एंटिल देन बाय बाय गाइज, राइड सेफ एंड राइड हार्ड।